इंस्पायर्ड मानक अवार्ड योजना में छात्र अब 15 अक्टूबर तक वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्रों को अपनी नई वैज्ञानिक सोच को आगे रखने का ये एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। अगर छात्रों के लिए आइडिया सिलेक्ट होते हैं तो उनके वैज्ञानिक सोच को मॉडल के जरिए प्रस्तुत करने के लिए 10,000 रुपये की राशि जारी की जाएगी, ताकि छात्र मॉडल के जरिए अपनी वैज्ञानिक सोच को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचा सके। जिला परिषद कर्मचारी भी उन्हें पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग में समायोजित करने की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर अगस्त माह में जिला परिषद कर्मचारी पेन डाउन स्ट्राइक भी कर चुके हैं। इन्हें सरकार ने संशोधित वेतन मान तो दे दिया है, लेकिन विभाग में समायोजन की मांग अभी पूरा नहीं हो सकी। इस पर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 अक्टूबर के चंबा दौरे को पीएमओ की हरी झंडी मिली तो कैबिनेट में इसे लेकर भी चर्चा होगी। आखिरी कैबिनेट में कौन कौन से एजेंडा चर्चा व मंजूरी के लिए लाए जाएंगे, इसकी तस्वीर 1-2 दिन में साफ हो जाएगी। जयराम सरकार की 14 दिन में ये तीसरी कैबिनेट बैठक होगी। पहली 2 बैठकों में सरकार ने स्कूलों व चिकित्सा संस्थानों को अपग्रेड करने के अलावा नए पटवार सर्किल, सब तहसील, तहसील ब्लॉक ऑफिस, जल शक्ति डिवीजन, जल शक्ति विभाग का सब डिवीजन, पीडब्ल्यूडी डिवीजन, पीडब्ल्यूडी सब डिवीजन इत्यादि खोलने को मंजूरी दी है। वर्ष 2022 के लिए इंस्पायर मानक अवार्ड में अभी तक जिला के 208 पाठशालाओं में जो है लगभग 539 बच्चों की नॉमिनेशन हुई है, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा बहुत कम है, तथा DST से अनुरोध करने पर अब यह तिथि जो है वो 15 अक्टूबर तक जो है वो बढ़ा दी गई है। इसलिए जो भी शेष पाठशालाएं बचती हैं उनके हेड से निवेदन है कि वे जल्दी से जल्दी बच्चों को जो है वो पोर्टल पे जो है लोड, उनके आइडिया जो है वो लोड करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को जो है 10,000 रुपये का जो मॉडल बनाने के लिए DST की ओर से सहायता मिलती है वो अधिक से अधिक बच्चे जो हैं वो दे सकें। पिछले साल 756 बच्चों ने जो है वो DST के पोर्टल पे जो है अपनी रजिस्ट्रेशन की थी, तो उसकी अपेक्षा में अभी जो है वो जिला से कम नॉमिनेशन जो है वो हुई है।